तो डॉक्टर ने जो स्नेहा को ना 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ दी थी, तो उसका आज पीरियड खत्म हो गया है। तो आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज फिर से हॉस्पिटल जाना है और चेकअप करवाना है सारा कुछ फिर से। होप कि आज अच्छी न्यूज मिले और सब अच्छा रहे आज का दिन, क्योंकि जब जब आजकल हॉस्पिटल जा रहे हैं कुछ ना कुछ मतलब फिर मूड खराब होके ही आ रहे हैं वहां से। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग सुपर बात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो सबसे पहले अभी मैं बाइक पे से कवर उठा के ले आता हूँ, बहुत ठंड हो रही है सुबह सुबह, तो वो उठा के ले आता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में जब जाएंगे ना उसको बैग में ले जाएंगे तो उस पर पूरी लेयर जमी होती है ओस की, या जो भी कह सकते हैं पाले की। तो पहले वो ले आता हूँ, फिर मिलते हैं। सो स्नेहा का ब्रेकफास्ट बन रहा है और बाहर का मौसम एकदम खूबसूरत हमेशा की तरह। ये देखिए सनराइज भी हो चुका है। बाइक से मैं कवर हटा के लाया ना, देखो क्या सीन हो रखा है, पूरा जम रखा है। देखो ये देखो पूरा झड़ रहा है, नीचे पूरी लेयर है ओस की, ये देखो बर्फ भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट में है अरबी की सब्जी, रोटी, दूध और एज यूजुअल स्नेहा खाएगी कढ़ाई में। फिलहाल हम लोग हो गए हैं हॉस्पिटल के लिए रेडी, और जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना आजकल मुझे बहुत डर लग जाता है पहले ही, बट एक होप है कि अब रिपोर्ट्स अच्छी आए हैं, क्योंकि मेरी थायराइड की रिपोर्ट लास्ट टाइम जो हमने प्राइवेट से करवाई है वो सही आई है। तो अब उम्मीद है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये भी सही आए, बट फिर भी मन में ना अलग से एक डर बैठ गया है मेरे। अब मैं कह रही हूँ माई को कि मैं जहाँ भी जाऊँगी साथ ही रहना, क्योंकि जब भी डॉक्टर अजीब से बोलते हैं ना कि ये हुआ है ये हुआ है, तो मैं अब मेरा बीपी भी बढ़ जाता है सोच सोच के, उसी टाइम हाथ पैर कांपने लगते हैं। सो अभी निकलते हैं क्योंकि फिर लेट भी हो जाता है हॉस्पिटल के लिए। बाकी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे फिर क्या चीज़ें हुई, क्या रिपोर्ट में आया है। सो आप लोग बने रहे ब्लॉग में। तो निकलते हैं अभी हॉस्पिटल के लिए, मौसम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। ये कुछ इंजेक्शन मंगा रखा है डॉक्टर ने, ये देखिए। इसके साथ ही मुझे आना पड़ा है घर, और अभी बजे हैं शाम के 8, तो सुबह 9 बजे गए थे हम लोग, अभी 8 बजे आ रहे हैं। तो 11 घंटे पूरे हॉस्पिटल में रहने के बाद अभी हॉस्पिटल से आए हैं, और अभी भी मुझे ना डिस्चार्ज नहीं मिला है, तो इसलिए ये वीको लगा हुआ है, क्योंकि कल फिर से कुछ सप्लीमेंट्स मुझे चढ़नी है। तो हुआ ये कि हॉस्पिटल गए हम और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ फिर से, क्योंकि 10 दिन का जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया था। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी ना वो चेंज नहीं हुई है अभी भी, कुछ भी जैसा पहले था वैसा ही है, अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो मुझे एडमिट होना पड़ा आज, और पूरा दिन मैं व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आ पाई, क्योंकि कभी वीको चल रहा था, वीको के थ्रू कुछ चल रहा था, कभी इंजेक्शन्स लग रहे थे, कभी सैंपल्स जा रहे थे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाई। होप कि माही ने कुछ वीडियो बनाया होगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा रश था, इधर उधर जाना था, हैक्टिक डे था उनके लिए भी बहुत ज़्यादा। सो मैंने सोचा अभी हम लोग घर आए हैं तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक अपडेट दे दूं। तो अभी हम लोग घर ना अपनी मतलब अपनी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके आए हैं कि जाने दो, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी खाने पीने की, क्योंकि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया था, जब तक इसके थ्रू कुछ चढ़ रहा था मतलब ग्लूकोज वगैरह पता नहीं जो भी सप्लीमेंट्स, तो कुछ भी मुझे पानी भी नहीं पीने दिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी चढ़ नहीं रहा है तो डॉक्टर से पूछ लेते हैं खाने पीने का, डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ साफ कि उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग घर आ गए कि घर में कुछ पानी वानी पी पाऊँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी और प्यास भी लग गई थी। सो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जाने दो हम पास में ही रहते हैं, तो कल सुबह 7 बजे फिर से हॉस्पिटल पहुँचना है, ये है अपडेट। तो कुछ खास तो नहीं है रिपोर्ट वगैरह, सो फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ना ही है हमको। दवाइयाँ ली उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं हुआ है मुझे, और काफ़ी सारे इंजेक्शन्स वगैरह लगे हैं, और 2-3 बॉटल्स आई डोंट नो क्या थी वो, माई को पता होगा थोड़ा बहुत क्योंकि वो ही लेके आए थे मार्केट से, तो वो चढ़ी है मुझे। सो अभी पता नहीं कल क्या होगा, कल फिर से चढ़ना है, कल क्या होना है कुछ बताया नहीं है, बस ये बोला है कि डॉक्टर सुबह देखने आएंगे 7 बजे, उससे पहले आप लोग को यहाँ पहुँचना है, तो सुबह 7 बजे से पहले हमें फिर से हॉस्पिटल पहुंचना है, इसीलिए हम लोगों ने ये उतरवाया नहीं है, डॉक्टर ने मना किया था कि फिर से कल कुछ चढ़ेगा। और बहुत जगह ना
काफ़ी बार सिरिंज घुसाई है इसको सप्लाई करने के लिए, तो मेरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, क्लॉटिंग हो जा रही थी, ब्लड का थक्का बन जा रहा था। तो 5 से 6 जगह मेरी सुई चुभ हुई है, तो 7वीं जगह पे ये लास्ट में हो पाया है। तो अभी भी हाथों में, पूरे हाथों में मेरे नीले निशान है, पूरे जो मेरी वेन्स है वो सूजी हुई है। तो अभी घर पे हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट कर पाई हूँ, मैंने सोचा कि अपडेट दे दूँ। बाकी व्लॉग्स तो क्या ही बन पाएंगे यार ऐसे सिचुएशन में, बट कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को भी देते रहे, क्योंकि आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं तो इस वजह से। और खाना पीना तो मैं बना नहीं सकती ऐसे हाथ से, एक हाथ से मैं ना क्या ही कर सकती हूँ, मतलब तो माँ ही बना रहे हैं क्योंकि उनको आता तो है नहीं, क्योंकि कभी बनाया नहीं है, बट मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो वो बना रहे हैं रोटी वोटी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो भी थोड़ा सा आज वीक फील कर रहे हैं, सिक टाइप का फील कर रहे हैं, बट फिर भी कर रहे हैं वो, क्योंकि दीदी लोग भी यहाँ नहीं है अभी, कोई नहीं है। हाँ मनीष आ गया है, तो मनीष ने थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में आया था वो, जो भी कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी तो मनीष ही वहाँ पे था। सो बाकी इस व्लॉग में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देखते हैं कल क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ प्रे करना और ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए बाय। Oh,